प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। वर्षारंभ में लग्नेश द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में शुक्र एवं केतु के साथ विराजमान रहेंगे। वर्ष कुंडली के अनुसार तुला राशि की कुंडली में नए वर्ष में मंगल सप्तम भाव में, राहु अष्टम भाव में, चंद्रमा दशम भाव में, तीसरे भाव में सूर्य व बुध एवं चतुर्थ भाव में गुरु शनि की युति भाग्य वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। वर्ष 2021 में कार्य क्षेत्र में गुरु की दृष्टि के कारण सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि साझेदारी में काम कर रहे हैं तो परिणाम आपके अनुसार नहीं मिलेगा, अतः परिस्थिति जने कोई फैसला ले, लकीर के फकीर न बने। वसंत पंचमी के बाद आपके अंदर कुछ नया करने का विचार आएगा। व्यवसाय में कोई नया निवेश कर सकते हैं, मगर अप्रैल तक तो भूल कर भी कोई नया काम शुरू ना करें। नौकरी पेशा जातक के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपके कार्यस्थल पर गुरु की दृष्टि है और यह दृष्टि नौकरी में तरक्की दिलाने में सक्षम होगी या वेतन वृद्धि कराएगी। अपनी मधुर वाणी और चेहरे की मुस्कुराहट से आप अपने लक्ष्य भेदने में सफल हो पाएंगे। इस वर्ष आपके धन भाव में गुरु तृतीयेश और सृष्टेश होकर विराजमान है, अंत अथक परिश्रम से धन का आगमन होगा। यदि आपकी कुंडली में शनि षष्ठ अष्टम या दशम स्थान में बैठे हो और गुरु की अंतरदशा चल रही हो तो आप कोई नया मकान या वाहन की खरीद बिक्री करेंगे। प्रतियोगी छात्रों के लिए 2021 अविस्मरणीय रहने वाला है। गुरु की दृष्टि कर्म तथा प्रतियोगिता भाव पर होने से प्रतियोगिता में सफलता का योग बन रहा है। यह वर्ष अध्ययन अध्यापन के लिए बेहद अनुकूल है, अतः इसका अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। मार्च अप्रैल तथा अक्टूबर नवंबर महीनों में पारिवारिक क्लेश हो सकता है, खासकर किसी खर्च या बीमारी के कारण। हालांकि भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। जून से जुलाई के बीच कमर या पैरों में दर्द बुखार से परेशानी हो सकती है, ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अविवाहित जातक इस साल नए प्रेम कहानी शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में रोमांच आ सकता है। उपाय: शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें, ऐसा न करने पर आपको शुक्र के बुरे प्रभावों को झेलना पड़ सकता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए घर को साफ सुथरा रखने के साथ सदैव साफ कपड़े पहने। प्रभातखबर.com